रॉबर्ट द बुलेट मैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और बात हो रही है अमेरिका के गन कल्चर, गन पॉलिसी की, गन लॉबी की, जो एक बार फिर से इस घटना के बाद सवालों के घेरे में है, जहां 22 साल का एक लड़का शिकागो की सड़कों पर फ्रीडम डे परेड के मौके पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देता है। और इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर अब्बास, सुरभी मेरे साथ मौजूद है, साथ ही मेरे सहयोगी विवेक भी मौजूद है और मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेगा। लेकिन अमेरिका है सवालों के घेरे में और ये सवाल उठ रहे हैं अमेरिका के गन कल्चर को लेकर। आखिर अमेरिकन्स को किससे खतरा है जो हर घर में हथियारों का अंबार लगा हुआ है। बंदूक के इसी प्रेम ने एक बार फिर से अमेरिका को सदमे में डाल दिया है। अमेरिका के इलिनॉइस के हाईलैंड पार्क में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर परेड निकाली जा रही थी, लेकिन उसके 10 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जी हां, अंधाधुंध फायरिंग, भगदड़, दहशत और चेहरे पर खौफ। लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर किस तरह भागते नजर आए, ये आप देखिए इन तस्वीरों में। एक सनकी ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। हमलावर ने बिल्डिंग की छत से फायरिंग की, इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। आरोपी रॉबर्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस घटना में 9 लोगों की जान चली गई। सुपर पावर अमेरिका में पिछले कुछ सालों में शूटिंग की वारदातों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इस साल अब तक 250 से ज्यादा शूटिंग की घटनाएं हो चुकी है। आंकड़ा हालांकि 300 से ज्यादा बढ़ चुका है और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में इस साल कोई हफ्ता नहीं बीता जब शूटिंग की कोई घटना ना हुई हो। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा है घोस्ट गन कल्चर। ऑनलाइन साइट पर बच्चे भी दे रहे हैं ऑर्डर। अमेरिका में बंदूक लेना किसी के लिए भी बहुत आसान है। असेंबल करने पर बंदूक का कोई नंबर नहीं होता। तो अंधाधुंध फायरिंग होती है और उसके बाद कैसे अफरा तफरी मचती है, ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। और बात हो रही है सुपर पावर अमेरिका की, यूएस की, जहां पर घोस्ट गन कल्चर कैसे यूएस का काल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि असेंबल कर बनाई गई बंदूकों को घोस्ट गन वहां पर कहा जाता है। ये गन वायलेंस आर्काइव की रिपोर्ट आपको डिटेल्स देती है, जहां गन पार्ट्स को असेंबल कर यानी एक साथ जुटाकर हथियार को तैयार कर दिया जाता है। उन्हें जोड़ते हुए अमेरिका में ऑनलाइन साइट से गन के पार्ट्स भी लोग खरीद सकते हैं और ये बहुत ज्यादा आसान है। ऑनलाइन साइट पर बच्चे भी गन पार्ट्स के ऑर्डर दे रहे हैं और गन पार्ट्स को बिना किसी लाइसेंस के, आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें खरीदा जा सकता है और उसके बाद घर पर ही आप इन्हें असेंबल कर सकते हैं, गन बना सकते हैं। और ये अमेरिका में हो रहा है। गन वायलेंस आर्काइव की रिपोर्ट ये बता रही है असेंबल किए गए हथियारों का कोई सीरियल नंबर नहीं होता है, यानी इनकी कोई ट्रैकिंग भी नहीं है। ऐसे में ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि इस गन का मालिक कौन है। यानी कि समीर, ये तय है कि बहुत आसान है हथियार खरीदना, गन खरीदना, और ऐसा लगता है इन घटनाओं को देखने के बाद कि उसका इस्तेमाल करना भी कितना आसान हो चला है यूएस में। बिल्कुल सही बात है और यही वजह है कि लगातार इस तरह की घटनाएं अमेरिका को दहलाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी जमीन पर उतरता हुआ हमें कोई ठोस कदम नजर नहीं आता।